ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि अभी अभी कुछ ही देर पहले जो है ये करनाल के हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा के नजदीक जो मेरठ रोड पड़ती है वहां पर ये एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक ने एक पिकअप जीप को जो है टक्कर मारी है, जिसमें 6 लोगों की जो है मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पड़ती है, जहां पर ये बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि सावन जोत से हरिद्वार से ये लोग वापिस लौट रहे थे, और एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है कि पिकअप जीप जो होती है उसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो ठूस ठूस कर भरे हुए थे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब तक 6 लोगों की मौत जो है इसमें हो गई है। ट्रक जो सामने खड़ा है उस ट्रक ने इसको पिकअप जीप को टक्कर दे मारी, और हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा के नज़दीक ये करनाल मेरठ रोड पर यह दर्दनाक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की ये जीप थी जो सावन जोत भरने गए थे करनाल से, वापसी जब करनाल पहुंच रहे थे तो हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा के नज़दीक यह बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की इस हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड से, जहां पर यह बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हम आपको बता दें कि करनाल मेरठ रोड पड़ती है, और कई बार इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है कि जब भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पिकअप जीप में सवार होकर जाते हैं तो कई बार इस तरह के हादसे पेश आते हैं। हरिद्वार से ये लोग वापसी करनाल पहुंच रहे थे, और जैसे ही आप देख सकते हैं कि सामने से ट्रक आ रहा था और ये पिकअप जीप जो है सामने से जा रही थी, और आमने सामने की जो टक्कर बताई जा रही है जिसमें 6 श्रद्धालुओं की इस हुए दर्दनाक सड़क हादसे में अब तक मौत हो गई है, जिनको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, और 12 से 15 श्रद्धालु जो है इसमें घायल भी हुए हैं। जो लोग हैं मौके पर चश्मदीद हैं, आसपास के रहने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर आप बताएं क्या हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिली है? हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे, सुबह 7 बजे के आसपास की बात है, और इनका यहाँ मेरठ रोड पर गाँव डाकवाड़ा गेट के सामने एक्सीडेंट हुआ, पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हुई, बाकी इसमें 6 आदमी बताओ मौके पर मर गए, बाकी कर चोट पेट रहे, कुछ ठीक ठाक भी हैं। बस एक तीसरी गाड़ी बलकन और टकराई, उसके एयरबैग खुलने की वजह से मैं सुरक्षित रह गए। तो ये बताते हैं कि एक और गाड़ी जो है इसमें टकराई है, कुछ और लोग हैं। सर आप बताएं कि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ? सर यहाँ पे जो ढाक वाला गेट है ना, यहाँ पे पारस पर्फ लिमिटेड है, हरिद्वार से आ रहे थे जो सावन में, तो उधर से ट्रक वाले ने मारा टक्कर, सुबह 6:30 बजे की घटना है, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है सर, मतलब इसमें 6 लोग की मौत हो गई, 15 घायल है। तो ये आप देख सकते हैं कि सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ये स्टेट हाईवे है, यूपी हाईवे है, करनाल से ये मेरठ रोड की तरफ जाता है, कुछ ही दूरी पर जो है यहाँ पर हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से ये मांग भी चली आ रही है कि इस रोड को जो है चौड़ा किया जाए, क्योंकि स्टेट हाईवे होने के कारण रोड जो है काफी तंग है और काफी ज्यादा हैवी व्हीकल्स जो है इस रोड पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रक और बड़ी संख्या में जो बड़े ट्रक चालक हैं वो यहाँ से काफी तेज रफ्तार से निकलते हैं। कई बार यहाँ रोजाना कोई ना कोई बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा होता रहा है, और लोगों की यही मांग है कि इस रोड को चौड़ा किया जाए, क्योंकि स्टेट हाईवे है जो हरियाणा उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन आज तक इस तरह सरकार और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिस कारण अमूमन यहां पर इस तरह के बड़े दर्दनाक सड़क हादसे होते हैं। जो ताजा हादसा हुआ है आप देख सकते हैं कि सावन जोत भरकर जो है लोग करनाल पहुंच रहे थे हरिद्वार से, किस तरह से पिकअप जीप के जो है आगे से परखच्चे उड़ गए हैं, और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि पीछे गाड़ियों जो गद्दे बिछाकर जो लोग श्रद्धालु जाते हैं, जिसमें 20-20 लोग जो है बैठ जाते हैं, इस कारण भी जो है बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा कई बार पेश आता है। कम से कम 10 या 12 सवारियां होनी चाहिए जिससे इतना बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा ना होता। 6 लोगों की इसमें अब तक मौके पर ही मौत हो गई है, और उनको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। वहीं ट्रक भी जो है आप देख सकते हैं कि सामने खड़ा है, और आगे से काफी तरह से बुरी तरह से ट्रक भी जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। अब तक इसमें 6 लोगों की मौत हुई है, हम आपको बता रहे हैं, करनाल के मेरठ रोड पर यह बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कमल मिड्डा, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।